उल्टी गिनती चालू। ठीक इसी प्रकार से धुलाइया हुआ है कल के लास्ट ओवर में नोकिया को, एकदम सेपट मार के एकदम चल छैया छैया बजा दिया नोकिया ने। इस तरह भला कोई मारता है क्या, बोलूं इसको कुत्ते धुलाई गधा धुलाई क्या इसको बोले हम। 390 के स्ट्राइक रेट से मारा है 10 बॉल में 39 रन, लास्ट ओवर में 32 रन ठोका नोकिया के ओवर में। टूटा हुआ साज हूं मैं। तब से पता नहीं क्यों नहीं खिला रहे थे सेफर्ड को। ये काली शक्ति वाले पता नहीं इस साल किस फॉर्म में आए हैं, क्या क्या खा कर आए हैं। सारे लोग चल रहे हैं, रसल चल रहा है, इधर से सेफर्ड चल रहा है, नरेन चल रहा है, पूरन भी मारता ही है। सारे लोग इस साल लग रहा है कि मिलके एकदम सारे बॉलर्स को भजिया बना देंगे एकदम। अब जाके MI के इंजन थोड़ा तो गर्म होने लगा है और ऐसे ही गर्म होते होते लग रहा है धीरे धीरे अब ऊपर आएगा। दो तीन दिन से एक फेक न्यूज चल रहा था कि सूर्या भाई इस मैच से खेलने वाले हैं मुंबई की तरफ से। कहाँ खेलने हैं, कल तो दिखाई नहीं दिया। वो तो सिर्फ ऑक्सीजन का फॉर्मूला बताने आए थे ग्राउंड पे कि ऑक्सीजन कितना जरूरी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा बताकर चले गए। कौन बोल रहा था कि खेलने आए हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं ये लोग। और इसी के साथ मिलिए हमारे ऑरेंज कैप होल्डर से। इस साल का ऑरेंज कैप मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि यही ले जाने वाले हैं क्योंकि फॉर्म में ही ऐसा चल रहे हैं। ये तो लग रहा है कि पापा पटेल से भी खतरनाक फॉर्म में इस साल आ चुके हैं। पहले धोनी कूट दिए थे, अब सेफर्ट कूट दिया, अब आगे पता नहीं कौन कौन कूटेगा। तो मेरे तरफ से ये सलाह रहेगा कि भाई बच के रहना, वरना इस साल का IPL तो तुम जान ही रहे हो छक्कों का बौछार हो रहा है। तो मैं तो बोलूंगा कि भाई झूठों के कम से कम बोल दो कि हमको ये चीज हुआ है, आज के मैच नहीं खेलेंगे, अगला मैच जब भी हो, नहीं तो ये लोग मार मार के डिप्रेशन में डाल देंगे, भरता बना के छोड़ेंगे। बात तो सही है और हमारे बुमराह भाई क्या बॉलिंग किया एकदम, पृथ्वी शॉ को अच्छे फॉर्म में से जाकर आउट कर दिया। मतलब क्या आप बॉलिंग करते हैं यार, एकदम अच्छा जगह जहां पिटा रहा था सबको मार रहा था पृथ्वी शॉ, वहां पे भाई ने जाके एकदम परफेक्ट योर कर मारा और विकेट को ढा दिया। पृथ्वी शॉ को दिखा ही नहीं कब विकेट में बॉल घुस गया। लेकिन कल स्टब्स भी पकड़ लिया था मुंबई इंडियंस के बॉलर्स को, लेकिन क्या करे लास्ट में उसको बैटिंग ही नहीं दिया। उतना रन से नहीं हारता जितना रन से अभी हार गया है, अगर स्टब्स लास्ट तक स्ट्राइक पे रहता तो। उसको लास्ट ओवर में एक ठो भी स्ट्राइक ही नहीं दिया कोई, जो आ रहा है वो खिलाकर आउट होकर चला जा रहा है। पहले जैसा नियम भी तो नहीं है कि आधा क्रीज अगर पार कर देगा तो उसको स्ट्राइक पे भेज देंगे, जो आउट होता है फिर नया बैट्समैन ही स्ट्राइक पे आता है। तो आज के वीडियो के लिए तो बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।